हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के बारे में। बेसिकली तो यहां की जो यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट के हेड है उदय सावंत जी, ठीक है, इन्होंने बेसिकली ये बताया है कि 1 जून से अब जितनी भी स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, तो उन सब के एग्ज़ाम्स क्या होंगे, ऑफलाइन बेसिस पे कंडक्ट किए जाएंगे। याद रखिए गाइस, 1 जून से, तो मतलब जितने भी, देखिए अब जितने भी मास्टर कोर्सेज है ना, इनके सब के एग्ज़ाम कब तक है, जून से स्टार्ट है, ठीक है। तो मतलब आपका जून से मोस्ट ऑफ दी सबके एग्ज़ाम स्टार्ट है मास्टर कोर्सेज के, पोस्ट ग्रेजुएटेड के। तो अब जितने भी कोर्सेज होंगे सब ऑफलाइन ही होंगे। और नेक्स्ट थिंग गाइस, जो नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर्स होंगे आपके, वो भी क्या होंगे, आपके ऑफलाइन बेसिस पे कंडक्ट होंगे, क्योंकि अब जो सिचुएशन हो कोविड और लॉकडाउन, तो ये सब ख़त्म हो चुका है गाइस, ठीक है। अब नॉर्मली सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट मास्क सर्वाइव कर रहे हैं। तो दैट इज मीन्स आप जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सब क्या होंगे, ऑफलाइन बेसिस पे कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये सब के पीछे जो प्रोसेस था 1 जून का, ठीक है, इससे बहुत सारे बच्चे नाराज़ भी है और बहुत सारे बच्चे एग्री भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो एग्री करते होंगे, क्योंकि सब यही चाहते थे कि इस एकेडमिक ईयर्स में, यानी कि जो अभी तक हो चुका हुआ है, तो ये जो एग्ज़ाम बचा हुआ सबसे लास्ट एग्ज़ाम, किसी का 4th सेम फाइनल है, ये किसी का 6th सेम फाइनल है, तो वो सब चाहते थे कि सब एग्ज़ाम होना वो सब ऑनलाइन बेसिस पे हो, ऑफलाइन बेसिस पे नहीं हो। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टडीज़ हुई है ना, वो सब ऑनलाइन बेसिस हुई है और वो नहीं चाहते कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑफलाइन एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि जो अपने कॉन्सेप्ट है वही हम अपने कॉन्सेप्ट को अपने थियरी या जो पेपर्स है उसमें लिखते हैं गाइस, राइट। लेकिन ये जो प्रॉपर मिल नहीं पाया है, इसके वजह से बच्चे डिसअपॉइंट है, ठीक है। लेकिन क्या करें कि एक प्रोसीजर है, हायर अथॉरिटी ने बोला है तो आपको करना ही है, राइट। तो ये जो पूरा ऑफलाइन का जो मसला था गाइस, तो वो बेसिकली डिस्कस करके लिया गया है, ठीक है, जिसमें उदय सावंत जी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो महाराष्ट्र स्टेट में हैं गाइस, तो उनके जो प्रिंसिपल्स है या वाइस चांसलर्स हो गए, ठीक है, ये सबसे मीटिंग करके फिर एक डिसीजन लिया गया है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना ये बेटर होगा, राइट, एज़ कम्पेयर टू द ऑनलाइन एग्ज़ाम। लेकिन बेसिकली गाइस, यहाँ पे आप जितने भी एग्ज़ाम्स है, ठीक है, वो 15 जुलाई तक सब ख़त्म हो जाएंगे। दैट इज़ मीन्स जून से स्टार्ट किए जा रहे हैं मास्टर कोर्सेज, ठीक है। आपको मालूम ही है कि जो उनका पेपर पैटर्न है गाइस, तो 2 आवर्स में बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होगा, 1 आवर्स में आपका ऑब्जेक्टिव्स होगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से इस बार के पेपर्स को कंडक्ट किया गया, लेकिन नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में इसको चेंज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में जैसा नॉर्मली आपके एग्ज़ाम होते थे बिफोर 2 ईयर्स, ठीक है, तो सेम ऐसे ही होंगे आपके एग्ज़ाम। एंड उदय सावंत ने ये ट्वीट किया था बेसिकली, ये जो ट्वीट था ये 26 को किया था मॉर्निंग 10 AM में, राइट। तो इसमें यही दिया गया है कि इन्होंने उदय सावंत जी ने बताया कि इन्होंने पूरा जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उन सब के प्रिंसिपल वाइस चांसलर से उन्होंने बात की है, ठीक है, और एक डिसीजन पे आई कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना इज़ बेटर फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़, राइट गाइस। तो इसीलिए उन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया आफ्टर जून। लेकिन डिसीजन जब लिया गया था गाइस डिफरेंट यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ, प्रिंसिपल के साथ, तो उदय सावंत जी का ये कहना था कि हमें जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना वो 1 मई से लेना है। लेकिन 1 मई से जो डिसीजन था उसको डिले कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि 1 मई से होता तो दैट इसमें जितने भी अभी एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी कि प्रोफेशनल, देखो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, उनके एग्ज़ाम ऑफलाइन बेसिस पे कंडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, कि कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसको ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो इसके वजह से गाइस ये डिसीजन 1 जून को लेके गया। और भी बहुत सारी बात होगी, देखिए और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, मुद्दे होंगे जिसको डिस्कस करने के बाद उसको 1 जून पे लेके गया, राइट।
और गाइस जो नागपुर यूनिवर्सिटीज़ है तो उन्होंने क्या किया है कि उनके जो एग्ज़ाम है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जो ऑफलाइन होगा तब हम देखेंगे। देखिए एक उसको एक ऑप्शनल रखेंगे हम लोग, अगर कुछ होता है डिसीजन, कुछ चेंजेस होता है तो वो ऑफलाइन रखेंगे, ऐसा एक ऑप्शन में रखा गया था। राइट, तो जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं गाइस वो बेसिकली डिसअपॉइंटेड है, लेकिन बस यही है कि उनके एग्ज़ाम्स अब ऑफलाइन ही होंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करें। ठीक है, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ आई नो कि बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सर ये पास फेल हो रहा है। ठीक है, तो अब जो हायर अथॉरिटीज़ है वो जैसा डिसीजन लेगी वैसा हमें फॉलोअप करना है। तो बने रहिए चैनल पे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें।